नंबर सिक्स हमारे पास है 3x² + 8x + 2 = 0। और ये हमारे पास क्वेश्चन बनी हुई है ax² + bx + c = 0। इसको हमने कंपेयर करते हैं, a हमारे पास 3 है, b = 8 है, c = 2 है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला a, अब इसमें हमारे पास क्या है, x = -b + -b² - 4ac 2a। अब पुट द वैल्यूज, अब a की वैल्यू b c यहां पुट करेंगे, x = b क्या हमारे पास -8 + -8² - 4a 3c 2 अपॉन x = -8 + -8 = 64 - 4 = 12 = 24। नीचे क्या, सॉरी 2a है, 2 × 3 है, नीचे 6 आ जाएगा। x = -8 + -64 में 24 निकाल दिया, 40/6 है। x = -8 + -40 10×4 = 40 4 × 10/6 x = -8 + -4 का अंडर रूट लिया, जिजर लिया तो 2 आ जाएगा ये, और साथ 10 का हमारे पास वैसे आ जाएगा, नीचे क्या 6 आ जाएगा। तो x = अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, -4 + -√10 6 है, 2 × 3 = 6। x = -4 + -√10 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + -10/3। ये हमारा आंसर नंबर 7 है, 3/(x − 6) है, -4/(x − 5) है, = 1 है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम, x − 6 x − 5 दोनों इकट्ठा कर लिया एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 × x − 5 − 4 × x − 6 = 1। ऊपर कर दे मल्टीप्लाई, 3x − 15 − 4x + 24। इसके नीचे क्या है, अब इसको ओपन करें, इस x को इसके साथ x², इस x को इसके साथ, इसी x को 5 के साथ -5x, इस 6 को x के साथ -6x, और इस 6 को 5 के साथ +30। अब ऊपर वाले क्या हमारे पास, ये 3x है, ये 4x है, ये बच गया -x, 24 है, ये 15 है, बच गया 9, 24 में से 15 निकाल दे, 9 बचता है, +9। नीचे क्या हमारे पास, x² (6/5) = 11, नेगेटिव क्या है, 11x + 30 = 1। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -x + 9 = x² - 11x + 30। अब ये x² पॉजिटिव का है, इसको हम उठा के उधर ले जाएंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस 30, ये माइनस क्या है, प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर वैसे 11 में से एक्स निकाल दिया, माइनस 10x और 30 में से 9 निकाल दिया, प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है। अब ये इसमें a क्या है, 1 है, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, b इक्वल माइनस 10 है, c इक्वल 21 है। अब क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें x की x फाइंड करना है, b क्या है, b माइनस 10 है, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 माइनस 10 स्क्वेयर माइनस 4a1 c इज 21। नीचे क्या है, 2, a क्या है, a हमारा 1 है। x इक्वल 10 प्लस माइनस अंडर रूट, जो 10 के नीचे 10 स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 81 हो गया, सॉरी माइनस 84 हो गया, 4 1 4 4 2 8, 21 4 84 हो गया। नीचे क्या है, 2 है। x इक्वल 10 प्लस माइनस, ये बच गया 16, 100 में से 84 निकाल दिया 16, नीचे क्या है, 2 है, तो x इक्वल 10 जमा नफी 16 का लिया जज़र, तो हमारे पास ये 4 आ गया, नीचे क्या आ गया, 2। अब दो कंडीशन बन गई हैं, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x इक्वल 10 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल 10 माइनस 4 अपॉन 2। अभी इसको प्लस ही कर देते हैं इसको, तो x इक्वल 10 जमा 4 14 ओवर 2 इक्वल 7। अब दूसरा क्या था, ये प्लस कर लिया है, x इक्वल 10 माइनस 4 अपॉन 2, x इक्वल 6 ओवर 2, 10 में 4 गए 6, तो x इक्वल टू 3। सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो 3 और 7 है। 8 बार हमारे पास है, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 है, और माइनस 4 माइनस x अपॉन 2x है इक्वल 2 इंटू 1 ओवर 3 है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं, इन दोनों के लिए हमने एलसीएम, ये बन गया 2x इंटू x माइनस 1, दोनों इकट्ठे कर लिए, 2x x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट x इंटू x माइनस 1 इक्वल, इसको हमने सिंपल करना है, 3 2 6 जमा 1 7 ओवर 3। ओपन कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 सॉरी माइनस, अब इस 4 को इस x के साथ 4x, इस 4 को 1 के साथ माइनस 4, इस x को इसके साथ माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस x, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 7 ओवर 3। तो इसको दोबारा चेक कर लें, 4x 4 माइनस, ठीक है, ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x, इस माइनस को अंदर अप्लाई कर दिया, प्लस 4 प्लस x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल 7 ओवर 3। ये प्लस का ये माइनस का कट हो गया, ये अभी ये क्या बच गया, अकेला 2 है, ये 1 3 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, 3 क्या है डिवाइड,
इधर आके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल 7 है, 2x² - 2x, 3 3 9, x² - 3x + 12 = 14x² - 14x। अभी देखें, ये 14 बड़ा है, ये 9 छोटा, हम इनको उठा के उधर ले जाएंगे, तो इट मींस 14x² - 14x - 9x² + 3x - 12 = 0। यानी कि ये उठा के इधर ले गए, माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब 14 में से 9 निकाल दिए, 5x², 14 में से 3 निकाल दिए, -11x एंड -12, वैसे का वैसे आ जाएगा = 0। अभी हमने इसमें ए क्या है, ए 5 है, बी इक्वल -11 है, सी इक्वल -12 है। अब क्या करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। अब एक्स इक्वल b की वैल्यू क्या है, -11 है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -11² - 4। a क्या है, a 5 है, c क्या है, -12 है, 2a, a क्या हमारे पास 5 है। x इक्वल 11 वैसे, प्लस माइनस 11 11 जार 121, माइनस माइनस प्लस, 5 चार 20, 5 चार 20, और 20 जरा 12, 240 नीचे आ जाएगा 10। x इक्वल 11 प्लस माइनस 361 हो जाएगा, ये दोनों जमा करेंगे 361, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाते हैं, x इक्वल 11 प्लस माइनस 19 19 हजार, 361 का हमने अंडर रूट लिया, 19 आ गया, नीचे हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब दो कंडीशन बन गई हैं, x इक्वल 11 प्लस 19 ओवर 10, तो x इक्वल 30 ओवर 10, x इक्वल हमारे पास 3 आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x इक्वल 11 माइनस 19 ओवर 10, x इक्वल -8 ओवर 10, x इक्वल 4 2s are 5, -4 over 5। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 4 over 5। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है, 9 पार्ट है, सेकंड लास्ट है। इसका लिया हमने एलसीएम, x माइनस बी x माइनस ए इसको ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 2। ये बन जाएगा ax² + bx - b² नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को ओपन करना है, अच्छा इस एक्स को दोनों के साथ x² - ax - bx + ab = 2। अब कोई भी इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, इसको उधर ले जाएंगे, ax - a² + bx - b² = 2 x² - ax - bx + ab। अब तकरीब इसको ओपन करते हैं, ax - a² +
प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए बी। अब हमने देखना है ये इसमें अकेला एक्स स्क्वेयर ये है, अब ये भी टू ए एक्स है, ये ए एक्स है, ये बी, ये ए एक्स है, ये बी एक्स है, सबको हम एक साइड पे करते हैं, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स। अब से ये मैंने इसको उठा के उधर लेके जा रहा हूं, मैंने तरतीब लगा दी, टू ए एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू ए एक्स, अब ये माइनस का ये, तो ये भी उधर जाके माइनस ए एक्स हो गया, माइनस टू बी एक्स, इधर जाके ये भी माइनस बी एक्स हो गया, प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी, ये हमारे पास क्या है ए स्केयर एंड बी स्केयर है, ये माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब हम इसको सिंपल करते हैं। अच्छा अब इसमें देखें, ये हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स है, अब ये हो गया माइनस थ्री ए एक्स माइनस थ्री बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो टू एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हमने क्या किया इसका एक्स और माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस एक्स बाहर ले लिया, तो ये थ्री ए प्लस थ्री बी बन जाएगा, ये हमारे पास एक्स वाला ए हो गया, ये एक्स स्क्वेयर वाला ए बगैर एक्स के बी हो गया, एंड प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। इट मीन्स हमारे पास जो ए है वो ए की वैल्यू टू है, बी इक्वल माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी, एंड सी इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। अब इसमें हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है हमने, अब फार्मूला बाय यूजिंग फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, ये प्लस माइनस आएगा यहां, फोर ए सी अपॉन टू ए। एक्स इक्वल b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, अकेला थ्री ए प्लस थ्री बी आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर इसी का, थ्री ए प्लस थ्री बी स्क्वेयर माइनस फोर ए टू, एंड सी इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। नीचे है टू ए, हमारे पास टू है। अब हमने इसको ओपन करना है, x इक्वल थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस माइनस तीन, अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, नाइन ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर, अब फॉर्मूला क्या, टू ए बी, तीन तीन नौ, नौ दो अठारह, प्लस अठारह ए बी माइनस, अब इस माइनस को अंदर अप्लाई करना है, चार दो आठ, आठ ए स्क्वेयर, ये माइनस का, अब प्लस आठ बी स्क्वेयर माइनस चार दो आठ दो सोलह ए बी। नीचे हमारे पास क्या आ गया, टू आ गया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एट नाइन ए स्क्वेयर एट ए स्क्वेयर, नाइन बी स्क्वेयर एट बी स्क्वेयर, अब ये सोलह है, ये सोलह है, और ये आठ है, ये सोलह है। एक्स इक्वल थ्री ए प्लस
3b प्लस माइनस नाइन माइनस एट ए स्केयर जमा बी स्केयर, 18 में से 16 निकाल दिए प्लस 2ab, नीचे आ गया सॉरी तो ये नीचे 4 आ जाएगा, यहां नीचे आ गया 4। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये फार्मूला हमारा पूरा हो रहा है, 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b होल स्केयर, नीचे क्या आ जाएगा 4, ये इससे कट हो गया इक्वल x इक्वल, ये हमारे पास क्या है 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b, नीचे आ जाएगा 4। अब हमारे पास दो कंडीशन बन गए हैं, 3a प्लस 3b प्लस है फिर माइनस b है। अब हम इसको एक दफा प्लस करेंगे, अब हमने क्या किया इसको एक दफा प्लस लिख लिया, 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ये बन जाएगा 4a, 3a जमा a 4a प्लस 4b अपॉन 4 x इक्वल 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b अपॉन 4। इसमें क्या है 4 कॉमन आ गया, a प्लस b नीचे 4, 4 4 से कट, तो x इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह x इक्वल 3 में से a निकाल दिया 2a प्लस 2b अपॉन क्या 4 है, तो x इक्वल टू कॉमन a प्लस b अपॉन 4, 2 2 4 कट, तो x इक्वल a प्लस b ओवर 2। अब जो हमारा सॉल्यूशन सेट है a प्लस b, a प्लस b ओवर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है।